सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम फिर से आपको एक आम किसान के घर से ये काफ़ी बड़े ऑर्डर की भैंस दिखा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से बताएं, उससे पहले मैं कहूंगा जो भी भाई हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो एक से एक शानदार पशुधन की वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएँ। तो जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें, यादव डेयरी फार्म के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी यादव डेयरी फार्म के ही नाम से है। तो आज हम ये काफ़ी बड़े ऑर्डर की भैंस दिखा रहे हैं। ये देवेंद्र भाई साहब जो कि गांव भैंसवाड़ और इनका ज़िला गोहाना से हैं और काफ़ी बड़े ऑर्डर की है। सींग खुला है, टेल नीचे से 4 से 5 इंच वाइट है, जो आप देख पा रहे हैं ऑर्डर की क्वालिटी है काफ़ी लंबा और पीछे की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ। और पिछली बार का दूसरे ब्यांत का भाई का कहना है कि 23 किलो 600 ग्राम रिकॉर्ड है, कोई भी पशुपालक इस भैंस को लेना चाहे तो वो रिकॉर्ड चेक कर सकता है, हॉस्पिटल में दूध रिकॉर्ड करवाया था। साथ ही में जो अभी तीसरी बार बच्चे को जन्म देगी और ऑर्डर के हिसाब से लग भी रहा है कि भैंस अच्छी दूध वाली है, क्योंकि काफ़ी भाई बोल रहे थे कि हमें ब्यूटी से ज़्यादा कुछ नहीं लेना, हमें पशु दूध वाला पशु चाहिए। तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। सींग खुला है लेकिन जो लंबाई है और जो पीठ पुट्ठा है वो काफ़ी शानदार, चारों थन बिल्कुल अलग अलग, किसी तरह का अनबैलेंस नहीं। जोशीले और भारी ऑर्डर में, क्योंकि भारी ऑर्डर के पशु हैं उनको ज़्यादातर जो आम आदमी है वो लेना चाहता है, क्योंकि ये जो बड़े ऑर्डर के पशु हैं ये बिल्कुल एक किस्म से आकर्षण का केंद्र रहे हैं, HF गाय की तरह, और बिल्कुल मुट्ठी के आकार का थन, पीठ देख सकते हैं आप काफ़ी चौड़ी, और इस टाइम में पशु बच्चा कम दे रहे हैं। लेकिन हमारा फिर भी एक प्रयास है कि कोरोना वायरस के चलते घर से नहीं निकल पा रहे, फील्ड में घूम भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हर रोज़ एक वीडियो खाली इसी मकसद से मुहैया करवा रहे हैं आपको, कि हर वो पशुपालक या और भी जो भाई हमारी वीडियो देखते हैं, आज इस वायरस के चलते आज एक विश्व आपदा जो हर देश में बनी हुई है, लेकिन एक तरह से अगर हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो टाइम पास की बहुत भारी समस्या है, क्योंकि हर आदमी अपनी फील्ड से रिलेटेड काम में बिजी था, अभी निकल नहीं पा रहे तो काफ़ी परेशानी बनी हुई है। इस करके हम हर रोज़ ये वीडियोज़, ये भाई ने हमारे पास वीडियो बना के डाली और हम आपके समक्ष इसलिए लेके आए कि कुछ देर जो भाई पशुपालन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, उनका भी टाइम पास हो। और हमने पहले भी वीडियो डाली हैं तो काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भाई साहब आप अभी घर से बाहर जाके वीडियो बना रहे हो, तो मैं भाइयों को बताना चाहूँगा कि आपने इतना ध्यान दिया और इतना जो हमारे बारे में सोचा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो वीडियो हमने पहले कवर की हुई थी काफ़ी बार, जो मेले में या अदर जैसे काफ तैयार करने की फीडिंग वीडियोस, ये हम एडवांस रखते हैं, क्योंकि कई बारी कोई फंक्शन, शादी या अदर किसी भी कारण से हम वीडियो नहीं बना पाते, तो एडवांस में 15 से 20 वीडियो हम रखते हैं ताकि हम आपको मुहैया करवा सकें। तो देवेंद्र भाई साहब ने ये आपको भैंस दिखाई, हम कहेंगे कि 23 किलो 600 ग्राम का रिकॉर्ड है हॉस्पिटल में, HLDB का बताया। देखिए हम ग्राउंड लेवल पे जाके वीडियो कवर नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस हिसाब से हमने आपको पशु दिखाया, कोई भी पशुपालक अगर इंटरेस्ट लेता है तो अपना बयाना करके बुक कर सकता है पशु को, और मैं कहूँगा कि 2-4-5 हज़ार रुपये लगा के अकाउंट में पशु को बुक करें, ताकि फिर ग्राउंड लेवल पे जाके अगर देखें किसी कारणवश पशु समझ नहीं आता, क्योंकि हम खुद वीडियो बनाते थे उस टाइम, काफ़ी भाई फ़ोन करते थे तो हम जैसा पशु होता उसी तरह का बता देते थे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे देखने का बहुत फ़र्क होता है। तो इस करके हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं, काफ़ी भाई देख पा रहे हैं। देखिए जो पशुपालन की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ी हुई है और ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर के एनिमल बहुत कम फील्ड में घूमने पे ही सामने नहीं आ रहे थे, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं घर बैठे वीडियोस देखने का, जो हमारा एक प्रयास है इस वायरस के चलते, उसमें हम आपको एक से एक शानदार एनिमल दिखाते रहेंगे, बीच में और भी नॉलेजफुल वीडियोस बनाएंगे काफ़ी बड़े ऑर्डर की, और हम कहेंगे कि
कि एक आम किसान से जो हम आपको पशु प्रोवाइड करवाने की ये मुहिम है, इसमें लगातार लगे हुए हैं। तो लास्ट में सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।